करनाल नगर निगम के कर्मचारियों का चल रहा धरना प्रदर्शन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा आज नगर निगम में गेट मीटिंग की गई। इस दौरान सरकार से उनकी मांगों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार समय रहते उनकी मांगे नहीं मानती तो ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं करती तो वह लंबी हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिसके लिए निगम प्रशासन दोषी होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नगर पालिका कर्मचारी पिछले लगभग 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अभी चोरियां लड़ाई है और जो आंदोलन की टक्कर में कितना लोग है लगन में जा रहे, कितनी लंबी जेल है जेरी। साथियों, हमारे बाहर से नेता है सर कर्मचारी संघ रणा के नाम से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और कर्मचारियों से प्रधान आई है तो जब सरकार ने ऊपर से लिखित चिट्ठी दे दी है भाई इनको पेरोल पे लिया जाए और ठेकेदार को बीच में से हटा करके इनको कर्मचारियों को 24वां दिन है और प्रशासन अपनी अड़ियल रवैये को अपना रहा है। अड़ियल रवैये को हम कहते हैं भाई प्रशासन अपना नीति ठीक कर ले। प्रशासन चाहता है कि ये ठेका प्रथा इसी तरीके से चलता रहे, कहना कि प्रशासन की नीयत में खोट है और वो इस ठेका प्रथा को बढ़ावा दे करके कमीशन हासिल करने की कोशिश करता है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ कहना चाहता है आज हमारा 24वां दिन आंदोलन को अगर ज़्यादा अगर हमें समय लगेगा, अगर ज़्यादा हमें तंग करने की कोशिश करेंगे तो हम तमाम शहर का काम बंद करा देंगे और इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी निगम प्रशासन की होगी। सरकार ने कोई चिट्ठी या कोई अप्रूवल दिया है? सरकार अपना काम कर चुकी है। सरकार 30 अगस्त के फैसले को मान करके सितंबर में सरकार ने लेटर जारी कर दिया था और ये वो लेटर निगम प्रशासन के पास है, उसमें सीधा सीधा सा खोला हुआ है जो 24 मई के समझौते को मानते हुए जो कर्मचारी मैन पावर के ठेके पर थे उन कर्मचारियों को रोल पर लाए, तो उसमें जब सीधा सीधा ये खोला हुआ है तो ये प्रशासन आनाकानी कर रहे हैं, वो प्रशासन की गलती है। प्रशासन अपना काम करे ईमानदारी से और कर्मचारियों को रोल पर करे। वो अपा फिर प्रशासन का पहले तो घिराव करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे हड़ताल का और फिर पूरे शहर का काम बंद करा करके हड़ताल करेंगे और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के निगम प्रशासन की होगी। मैं वीरवान बिडलान नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई प्रधान। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।